भारत की जमीन पर उपजा धान आज पूरी दुनिया तक जा रहा है। इसके पीछे है भारत के मेहनती किसान। कृषि प्रधान देश भारत में इन किसानों की मदद के लिए भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधिनियम 1956 के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों को सबसे उपयुक्त संस्थानिक स्वरूप के रूप में चिन्हित कर रहा है। बजाज फाउंडेशन इसी अधिनियम के तहत किसानों को संगठित कर उनकी उपज को सीधा बाजार तक ले जाना आसान बना रहा है। बजाज फाउंडेशन द्वारा सीकर जिले की 3 तहसील, जिसमें धोद, लक्ष्मणगढ़ और पिपराली में 3 कृषक उत्पादक संगठन नाबार्ड के सहयोग से बनाए गए हैं। मेरा नाम विक्रम सिंह शेखावत, मैं नव विकास कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। ये जो किसान लोग हैं, किसानों को बेचारों को क्या है, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि आड़ती वगैरह बीज के अंदर खा जाते हैं, तो हम आड़ती का ये मध्यस्थता ये ख़त्म करना चाहते हैं। हम राजस्थान बीज निगम से भी जुड़े हुए हैं और नेशनल बीज निगम से जुड़े हैं। हम उनसे हम जो भी बीज मिलता है आधी रेट के अंदर हम किसानों को देते हैं। अब हम क्या है, हर महीने हमारे डायरेक्टर की मीटिंग करते हैं, उसमें किसानों की भी हम राय लेते हैं। जैविक खेती के बारे में भी हम बताते हैं, भाई जैविक खेती के अंदर जैसे हम केचुआ खाद का भी हमने हमारे किसान का काम कर रखा है, तो उसके बारे में भी हम उनको सजेशन देते हैं, भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा केचुआ खाद का जैविक खेती पे आप काम करो, आप पेस्टिसाइड में कम काम करो। ये भी हम जाते हैं किसानों की फार्म हाउस में जाते हैं, जाके हम उनको ये बताते हैं, भाई आप जैविक खेती करो। मेन मेरा हमारा उद्देश्य हमारे FPO का किसानों का फायदा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। FPO किसानों द्वारा संचालित, किसानों के द्वारा उनका संगठन है, किसानों द्वारा बनाया हुआ है, किसानों के लिए ये एक संगठन है। 1563 किसान सदस्य इस मुहिम से जुड़कर पिछले 3 सालों में 1,56,00,000 का व्यवसाय कर चुके हैं। तीनों FPO सभी जरूरी सर्टिफिकेट के साथ कार्य कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश कुड़ी, नवप्रेरणा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रहना वा काम चेयरमैन हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने जो भी किसानों में काम आने वाली जैसे खाद है, बीज है, इनका लाइसेंस, सबका फूड लाइसेंस है, ये सब लाइसेंस ले रखे हैं। और जो हमारी राज सीड को RSC है, राज सीड कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इनकी तहसील की डीलरशिप हमें हमने ली हुई है। बजाज की मदद से अभी तक तीनों FPO में विभिन्न गतिविधियों जैसे पशु आहार, एग्रीकल्चर इनपुट बीज, मसाला, दाल, तेल प्रोसेसिंग और अनाज एकत्रीकरण का काम लगातार किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह है, मैं नवजागृति FPO पिपराली में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। बजाज ट्रस्ट ने इस FPO को मिनी दाल मिल, मसाला मिल और तेल मिल उपलब्ध करवाई है, जिससे कि हम किसानों से कच्चा माल लेके आगे प्रोसेस करके और इसका व्यापार कर रहे हैं। हमने इसके साथ ही हमारा इसका ओजस शेखर करके ब्रांड है और ये सरसों का तेल है। इस सरसों के तेल को हमने लैब टेस्ट करवाया है। लैब टेस्ट करवा के इसमें जो मेन इसकी इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 6 फैट है इसके अंदर में, वो किसी इसमें मोस्टली इसमें वो हमने चेक करके हमारे इसके अंदर शुद्ध तेल है और शुद्ध तेल के ऊपर हम इसको बाजार में मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो मसाले के अंदर है लाल मिर्च है, लाल मिर्च शुद्ध लाल मिर्च किसानों से देते हैं, किसानों से ले करके उसको प्रोसेस करते हैं, यहीं पैकेटिंग करते हैं और पैकेजिंग करके हम सेल करते हैं। इसके साथ में धनिया है और धनिया का भी वो सिस्टम है, और धनिया लेते हैं उसको सफाई करके, ग्रेडिंग करके और उस पर लेबलिंग करके और हम पैकिंग करके और बाज़ार में बिक्री करते हैं। इसी संस्था के अंदर में एक गाड़ी, हमारी गाड़ी खुद खरीदी है और गाड़ी खरीद करके जिससे कि माल इधर उधर हमने पहुँचाना है, किसान के खेत से माल उठा के लाना है और कहीं से कच्चा माल उठा लाना है, बिक्री करना है, वो उसके द्वारा हम उसको ले रहे हैं। हमने सब बाजार ट्रस्ट के साथ में बैठ करके और नाबार्ड के द्वारा नेब किसान से पिछले साल 10,00,000 का लोन लिया था जो कि हमने वापस कर दिया, और इसी के इस साल हमने 15,00,000 का लोन लेकर के हम अब व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और वो आगे के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ किसान के भले का काम करेंगे और यही हमारा ध्येय है और यही आगे ध्येय रहेगा। बजाज फाउंडेशन लगातार और सदस्य बनाकर इस प्रणाली को सुदृढ़ कर किसानों और बाजार के बीच में बनी गहरी खाई को पाटने का काम कर रहा है। अब किसान इन FPO की मदद से संगठित होकर बाजार से सीधा लाभ उठाते हैं।